नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वाट यानी कि उसकी पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वोल्टेज को निकालना है तो उस वोल्टेज को निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उस फार्मूले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा पी इजिकल टू वी गुना आई, यानी कि इसमें जो पी है वो हमारी पावर है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वोल्टेज, और जो वी रहेगी वो उसकी वोल्टेज रहेगी। वो वोल्टेज किसी फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमारी सिंगल फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमारी थ्री फेस में भी हो सकती है, और वो हमारी डीसी वोल्टेज भी हो सकती है। और जो आई रहेगा वो हमारा एम्पीयर रहेगा, यानी कि वो कितना एम्पीयर ले रहा है जब उसके ऊपर कोई वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे शुरू करने से पहले हमें आपको एक फार्मूला याद करना होगा जो ऐसे रहेगा V इजिकल टू वाई। यानी कि अगर हमें वॉट निकालना है तो वॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉट को निकालिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वी इंटू आई। और अगर हमें वी निकालना है तो इसका फॉर्मूलेगा डब्ल्यू बटे आई। और अगर हमें आई यानी कि एम्पियर निकालना है तो वो रहेगा वॉट डिवाइडेड बाई वोल्टेज। यानी कि अगर हमें वॉट निकालना है तो हमें वोल्टेज को एम्पियर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें वोल्टेज निकालनी है तो हमें वॉट को डिवाइड करना पड़ेगा एम्पियर से, और अगर हमें एम्पियर निकालना है तो हमें वॉट को डिवाइड। आपको मैंने फार्मूला बता दिया है कि अगर हमें किसी भी अप्लायंस की वोल्टेज को निकालना हो तो हमें ये फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे। और इस फार्मूला को लगाने से पहले हमें उस अप्लायंस की वोल्टेज यानी कि उसमें हम कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसका एम्पियर कितना हमें उसका भी पता होना चाहिए। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता है तो हम उस अप्लायंस की पावर को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले, और दूसरी बात आपको एक दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो वॉट निकालने का फार्मूला सिंगल फेज के लिए अलग रहेगा, थ्री फेज के लिए अलग रहेगा, और डीसी के लिए अलग रहेगा। जो मैं आपको बताता हूँ, जो डीसी के लिए हमारा फार्मूला रहेगा, जो डीसी हमारी इनपुट रहेगी, अगर तो अगर किसी अप्लायंस की हमारी इनपुट डीसी फॉर्म में है तो उसका फार्मूला रहेगा पी इजिकल टू वी मल्टीप्लाई आई। ठीक है, अगर हमारा सिंगल फेज यानी कि 220 में है, 220 है चाहे 110 वोल्ट है, जितनी भी वोल्टेज है इनपुट है अगर हमारी, तो उसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा पी इजिकल टू वी गुना आई गुना कोस थीटा। जो कोस थीटा वो हमारा पावर फैक्टर होता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि पावर फैक्टर हमारा क्या होता है। और जो तीसरा फार्मूला है वो है हमारा थ्री फेज़ के लिए जो हमारा फार्मूला रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा, वो रहेगा पी इजिकल टू ओब्लिक थ्री मल्टीप्लाई वी यानी वोल्टेज गुना आई यानी कि एम्पीयर गुना कोस थीटा यानी कि पावर फैक्टर। ये हमारा फार्मूला रहेगा थ्री फेज़ के लिए। तो आपको मैं अलग अलग करके बताता हूँ कि अगर हमारी डीसी इनपुट रहेगी तो हमारे ये फार्मूला यूज़ होगा, अगर हमारी सिंगल फेज की इनपुट रहेगी तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारी थ्री फेज़ की इनपुट रहेगी तो हमारे ये फार्मूला रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल बताऊंगा कि डीसी फॉर्म में जो हमारे अगर 24 वोल्ट रहता है तो उसकी क्या कैलकुलेशन रहेगी, सिंगल फेसिंग एडिशन में अगर हमें 220 वोल्ट मिलेंगे तो उसकी क्या कैलकुलेशन रहेगी, और अगर हमारा थ्री फेस की इनपुट है तो उसकी हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग ब्लॉक में बता दिया है कि अगर डीसी वोल्टेज में हमारा ये फार्मूला है, सिंगल फेज़ के लिए हमारा ये फार्मूला, थ्री फेज़ के लिए हमारा ये फार्मूला है, और उसी हिसाब से आपको मैं यहाँ एग्जांपल बताऊंगा कि अगर डीसी वोल्टेज रहेगी तो उसकी पावर वोल्टेज अलग निकलेगी, अगर सिंगल फेज़ रहेगा तो उसकी अप्लायंस की वोल्टेज अलग निकलेगी, और अगर हमारी थ्री फेज़ की सप्लाई है तो उसकी वोल्टेज अलग निकलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको डीसी के बारे में बताऊंगा। तो डीसी के लिए सपोज़ करो कि हमें जो इनपुट है वो हमें 24 जो हमें वोल्टेज है वो हमें 24 वोल्ट की मिल रही है, और जो हमारा एम्पियर है वो हमारा 2 एम्पियर है। तो इसकी वोल्टेज क्या निकलेगी, इसकी वोल्टेज निकलेगी पी इजिकल टू मल्टीप्लाई 2, ये हमारा अप्लायंस यानी कि 48 वोल्ट का होगा। और अगर हमारी जो वोल्टेज है वो अगर हमारी 12 वोल्ट रहेगी तो उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, V की जगह लग जाएगा 12 इंटू 2, तो ये बन जाएगा हमारा
24 वॉट का। और ऐसे ही अगर हमारी जो सपोज करो कि हमारी जो डीसी वोल्टेज है वो 12 ही है और वो 4 एम्पीयर करंट ले रही है, तो ये हमारी 48 वॉट की बनेगी। और अगर हम बात करें सिंगल फेज़ की, तो सिंगल फेज़ की सपोज करो हमारी वोल्टेज हमें 220 की हमारे पास वोल्टेज है और जो हमारा अप्लाइज है उसका जो एम्पीयर है जो आई वो है हमारा सपोज करो 10 एम्पीयर, तो उसके लिए क्या रहेगा, पी इज इक्वल टू वोट, जो हमारा वोल्टेज है वो है 220 की वोल्टेज मल्टीप्लाई, और जो हमारा आई हो गया वो हो गया 10 एम्पीयर, और जो हमारा कॉस थीटा वो 0.85 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1870 वाट। ठीक है, अगर दूसरे केस में अगर हम बात करेंगे जो हमारी वोल्टेज है वो हमें 110 वोल्ट मिल रही है और जो हमारा करंट है वो सेम ही है 10 एम्पीयर, तो तब हमारी वोल्टेज क्या निकलेगी, तो उसके लिए रहेगा पावर इनटू, अब यहाँ वोल्ट में आपको कितना दे रहे हैं 110 वोल्ट मिल रहा है, तो ये होगा 110 वोल्ट मल्टीप्लाई आई कितना है हमारा 10 एम्पीयर, और जो हमारा कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर क्या है वो है 0.85। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 935 वाट। ठीक है ना, अगर हम एक आपको छोटा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि अगर सपोज करो कि मेरी जो वोल्टेज है वो 220 ही है, जो वोल्टेज वो 220 है लेकिन जो मेरा एम्पीयर है वो मेरा 5 एम्पीयर है और जो मेरा पावर फैक्टर है वो है हमारा 70 दे देती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला करेगा पी इज इक्वल टू 220 इंटू 5 इंटू 0.70, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 770 वाट। ठीक है ना, अगर अब आप खुद डिफरेंस देख सकते हो कि अगर हमारी जो वोल्टेज है वो हमें डीसी में मिल रही है 24 वोल्ट या 12 वोल्ट तो उसकी वोल्टेज कितनी रहेगी, और अगर हमें सिंगल फेस में 220 110 कुछ भी है सिंगल फेस में मिल रहा है तो उसका जो फार्मूला ये रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो हम पारे वाट निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे। पर अब हम बात करते हैं अपने पावर फैक्टर पावर की, जो अगर हमें थ्री फेज में सप्लाई मिल रही है, तो सपोज करो कि जो हमें थ्री फेज की सप्लाई मिल रही है वो मिल रही है हमें 415 और हमारे अप्लाइंस की जो एम्पियर है वो है 15 और जो हमारा पावर फैक्टर है वो है 0.85। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, पी इज इक्वल टू जो हमारा ये होता है ये बराबर होता है जो हमारा बिल्कुल वो बराबर होगा 1732 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ 1.732 इंटू 145 इंटू आई क्या है हमारा 15 और हमारा पावर फैक्टर कितना है 0.85। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका कितना वाट निकलेगा, ये निकलेगा 19164 वाट। अगर हमारी वोल्टेज 415 रहती है और एम्पीयर हमारे 15 रहते हैं और हमारा जो कॉस थीटा है यानी पावर फैक्टर वो 0.85 रहता है, और अगर हम इससे वाट निकालेंगे तो हमारा जो वाट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9164 की। एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ, अगर हमारी वोल्टेज 380 की है और जो हमारा एम्पीयर है वो 20 हो जाता है तो फिर हमारा जो पावर फैक्टर है वो होगा 0.85 आप कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें जो वाट निकलेगा उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो उसका जो फार्मूला आपको पता ही है 1.732 गुना वी हमारा ये 380 एम्पीयर हमारा है 20 और पावर फैक्टर है हमारा 85। तो अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 1111 वाट। अगर हम बात कर लें अगर हमारी वोल्टेज हमें और थोड़ी कम अगर हम वोल्टेज लेते हैं 220 और जो हम एम्पीयर ले लेते हैं वो ले लेते हैं 20 एम्पीयर और जो हम कॉस थीटा जो हमारा पावर फैक्टर है अगर हम उसे ले लें 70 तो तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो जो उसकी अब वैल्यू आएगी वो आएगी 1.732 जो हमारा नॉर्मली रहता है और वोट की जगह आ जाएगा हमारा 420।
जो हमारा एम्पियर है उसकी जगह आ जाएगा 20 एम्पियर। और जो हमारा पावर फैक्टर, यहाँ पर पावर फैक्टर लिया हुआ हमने, यहाँ अलग अलग जगह पे 1.85 ले रहे हैं, अब हम लेते हैं 0.70। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 10184 वाट। देखो अलग अलग, अगर हमारी वोल्टेज कम हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा वाट बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर हमारे पावर फैक्टर में भी कुछ कम हो रहा है, अगर इसमें पावर फैक्टर कम होगा तो हमारी वोल्टेज तब भी थोड़ी इससे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट भी दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।